हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर सबसे पहले प्राप्त हो। कल मैंने ये वीडियो डाली थी वाटी जाट, इसमें पूरी नॉलेज दी थी, और जो बाकी रह गए हैं वो मैं यहाँ पे ऐड की हूँ, तो इसे आप देख ले। ये कल मैं बताई थी, ये अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख ले। आज मैं इसके बाद से स्टार्ट करूँगी, तो आज मैं इसमें बताऊँगी वाट इज आर्ट। कल भी यही बताई थी, बट पार्ट टू, वो पार्ट वन था और ये पार्ट टू है। इसमें हम टाइप्स ऑफ आर्ट के बारे में बताएंगे कि आर्ट के कितने प्रकार होते हैं। कल मैं बताई थी कि आर्ट क्या है, आर्ट की परिभाषा ये सब बताई थी। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि आर्ट क्या है। कला का अर्थ है सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला एवं शिल्प हुनर अथवा कौशल। शिल्प कौशल की प्रक्रिया से युक्त सुंदर वो सुखद सृजन रूप। इसे दूसरे शब्दों में क्या कहा गया है, देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला है, ये आप लोग को मालूम ही होगा। सत्यम मतलब सत्य, शिवम मतलब कि जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दी कि आज हम कला के प्रकार के बारे में बात करेंगे, तो देख लेते हैं कला के कितने प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, सेरामिक और भी बहुत सारे छोटे मोटे क्ले पॉटरी, ये सब से हम देख लेंगे। देखिए, कला के कई प्रकार होते हैं। मोटे तौर पर जिस वस्तु, रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है उसी के नाम पर इस कला का प्रकार कहलाता है, जैसे वास्तुकला या स्थापत्य कला। तो हम वास्तुकला या स्थापत्य कला क्या है उसके बारे में बात करेंगे। वास्तुकला या स्थापत्य कला अर्थात भवन निर्माण कला, जैसे दुर्ग, प्रसाद, मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे आदि, ये सब जो हैं वास्तुकला या स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। इसके हम एग्जाम्पल भी देख लेंगे कि भवन निर्माण मतलब क्या, दुर्ग, प्रसाद, मंदिर, ये सब के एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए, ये सब वास्तुकला के एग्जाम्पल हैं। दूसरा है हम लोग का मूर्तिकला। मूर्तिकला पत्थर या धातु की छोटी बड़ी मूर्तियाँ, इसे इंग्लिश में स्कल्पचर बोलते हैं। मूर्तिकला को आप लोग को मालूम होगा, ये देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं दे दी हूँ मूर्तिकला से। यही जो है पत्थर से भी बन सकता है या फिर धातु से ही बनाई जाती हैं, उसे हम मूर्तिकला कहते हैं। और मूर्तिकला की खासियत ये है कि इसे हम चारों तरफ से देख सकते हैं, मतलब कि जो मूर्ति आप अभी देख रहे हैं इसे आप चारों तरफ से देख सकते हैं, और इसे चारों तरफ से ही कार्व किया जाता है, इसीलिए इसे हम मूर्तिकला कहते हैं। एग्जाम्पल ऐड करती हूँ। एग्जाम्पल ऐड करने से क्या हो जाती है, चीज़ें याद रह जाती हैं और अच्छे से समझ में आती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे मृदभांड कला, सॉरी चित्रकला। अभी हमने मूर्तिकला की बात की, नेक्स्ट हम चित्रकला की बात करेंगे। भवन की भित्तियों, छतों या स्तंभों पर अथवा वस्त्र, भोजपत्र या कागज पर अंकित चित्र। चित्रकला का मतलब ईजी आप लोग समझ रहे हैं, जैसे कि हम लोग स्कूल वगैरह में भी सीखते थे, पेपर वगैरह पे कुछ बनाते थे, या फिर घर पे ही हम कुछ उकेर देते हैं, कुछ पेंसिल से ड्रॉ कर देते हैं, या फिर बेंच पे ही आप बैठे हुए हैं और बेंच पे ही कुछ चीज़ें हम बना देते हैं पेंसिल वगैरह से, वही चित्रकला के अंतर्गत आते हैं। चित्रकला किसी भी सरफेस पे हो सकता है, चाहे वो भोजपत्र, भोजपत्र का मतलब है तालपत्र, तालपत्र आप लोग को मालूम होगा, पाम लीफ पे भी कर सकते हैं, कागज़ पे कर सकते हैं, किसी भी भवन की भित्ति, यानी कि जैसे आप लोग घर देखते होंगे तो घर के नीचे जो हमारा जहाँ पे फैन लगा होता है वहाँ पे भी आप कभी कभी देखते होंगे कि कुछ लोग कुछ भित्ति चित्र बना देते हैं, उसे भी हम लोग पेंटिंग के अंतर्गत यानी कि चित्रकला के अंतर्गत ही मानते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कैनवास और पेपर पर कैसे चित्र बनाए जाते हैं और किस तरह के होते हैं। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ द पेंटिंग। देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल है
जो कि पेपर पे पेंटिंग बनाए गए हैं और इस तरफ भी पेपर पे बनाए गए हैं, इसे हम टिकली आर्ट कहते हैं। ये फोक कला के अंतर्गत आते हैं। राइट साइड वाले जो हैं, जिसमें राधा कृष्ण आप लोग को दिख रहे हैं, ये टिकली आर्ट है। तो हम लोगों ने वास्तुकला, स्थापत्य कला देख लिए, मूर्ति कला समझ लिए, चित्रकला समझ लिए। अब नेक्स्ट समझेंगे मृदभांड कला। मृदभांड कला बहुत ही ईजी है, समझ ही गए होंगे। मृदभांड संस्कृत वर्ड आ रहा है, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन तो आप लोग देखे ही होंगे। ये देखिए, एक एग्जाम्पल ऐड कर दी। इसे ही सेरामिक बोलते हैं या फिर पॉटरी के अंतर्गत भी ये आते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का मुद्रा कला तो मालूम ही है, जैसे कि सिक्के या मोहरे, जो कि मालूम है आप लोगों को कि मोहनजोदड़ो जब मैं पढ़ाऊंगी तो फिर हम ये सिक्के या मोहरे के बारे में बात करेंगे कि कैसे मोहनजोदड़ो में मोहर का यूज होता था, सील का यूज होता था जब व्यापारी वो लोग करते थे तब। अभी हम कला के प्रकार पे फोकस कर रहे हैं तो ये सब के बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरा है, दूसरी तरह की कला के बारे में बात करेंगे, जैसे प्रस्तर कला, धातु कला, दंत कला, मृतिका कला, चित्रकला। ये सब क्या है, ये सब क्या है? देखिए, कभी कभी जिस पदार्थ से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उस पदार्थ के नाम पर उस कला का प्रकार जाना जाता है। जैसे कि मान लीजिए पत्थर से कोई चीज़ गढ़ दी गई है तो उसे हम लोग प्रस्तर कला के नाम से जानते हैं। जैसे कांसे, तांबे, पीतल, ये सब चीज़ें जो मूर्तियाँ बनाई जाती है इसे हम धातु कला बोलते हैं। हाथी के दांत से कुछ बना दिए जाते हैं तो उसे हम लोग दंत कला कहते हैं। जैसे कि हाथ से कोई चीज़ बनाया जाता है तो उसे हम लोग हस्तकला बोलते हैं। मिट्टी से निर्मित कलाकृतियाँ या खिलौने, छोटे छोटे खिलौने आप लोग देखते हैं जो बचपन में हम लोग मिट्टी के खरीदा करते थे खेलने के लिए, उसे हम लोग मृतिका कला कहते हैं। और चित्रकला तो मैं पहले डिफाइन कर ही दी हूँ कि कागज, कैनवास, किसी भी स्तर पर आप कुछ बनाते हैं तो उसे चित्रकला कहते हैं। तो आइए इसे मैं एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। प्रस्तर कला मतलब पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियाँ। धातु कला, और ये सब हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि प्रस्तर मतलब पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियाँ कैसी दिखती है। आइए एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। ये देखिए, ये इमेज जो आपके सामने है ये पत्थर से गढ़ी हुई है, ठीक है। इसे आप स्कल्पचर में भी ले सकते हैं, बट इसे प्रस्तर कला भी कहा जाता है। दूसरा है धातु कला, कांसे, तांबे अथवा पीतल से बनाई गई मूर्तियाँ। ये इमेज जो आपके सामने दिख रहा है ये देख लीजिए, कांसे से बना हुआ है, ब्रोंज से बना हुआ है, और ये आपके धातु कला के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दंत कला, यानी कि समझ ही गए होंगे हाथी के दांत से निर्मित कलाकृतियाँ। हाथी के दांत से आप लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे खिलौने भी मिलते हैं या फिर ईयर रिंग। आजकल तो क्राफ्ट्स में बहुत सारी चीज़ हाथी के दांत की आने लगे हैं। फिर भी मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिखाऊंगी जो कि लखनऊ का रेजिडेंसी बोल के एक है आर्किटेक्चर, उसके अंदर निर्मित है हाथी के दांत से बनाई हुई चीज़ें, वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी की बात मैं कर रही थी, ये जो है हाथी के दांत से निर्मित है। अभी अगर आप लखनऊ विजिट करते हैं तो प्लीज़ रेजिडेंसी बोल के आर्किटेक्चर है उसे ज़रूर देखने जाएं, फेमस है रेजिडेंसी। आइए नेक्स्ट बात करेंगे मृतिका कला, मिट्टी से निर्मित कलाकृतियां या खिलौने। ये तो हम बता ही दिए, मिट्टी से निर्मित कलाकृतियां या खिलौने, ठीक है। नेक्स्ट है चित्रकला, इसकी भी बात कर ही दिए हैं। कागज़ कैनवास पे बनाई गए जो चीज़ें होती हैं वही होती हैं। इमेज मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, पेंटिंग के कुछ अच्छी इमेजेस मेरे पास है तो लेट्स सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे बात कर दिए हैं आप लोग को, वास्तुकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, मृदभांड कला, मुद्रा कला, प्रस्तर कला, धातु कला, दंत कला, मृतिका कला एवं चित्रकला। नेक्स्ट हम बात करेंगे आप लोग से तीसरा, वो है मूर्ति कला। मूर्तिकला भी अपने निर्माण शैली के आधार पर प्रायः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं देख लेंगे। पहला है मूर्तिकला, समझिए ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ, जिसमें चारों ओर तराश कर मूर्ति का रूप दिया जाता है। ऐसी मूर्ति को चारों ओर से अवलोकन किया जाता है। अगर आपने पहले ध्यान दिए होंगे तो भी मैं ये बात बोली थी मूर्तिकला के संदर्भ में, तो चारों तरफ तराश कर बनाया जाता है। आइए हम इसे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। एक स्कल्पचर हम ले रहे हैं आप लोग के सामने, उसे हम दिखा रहे हैं कि कैसे चारों तरफ से बात करें। अब मैं फोर साइड तो नहीं दिखा पा रही हूँ, बट आप खुद भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे आप एक मनुष्य हैं, अगर आप ही को हम कार्व करें तो आप ही को भी हम चारों तरफ से देख सकते हैं ना। आपका फ्रंट पार्ट देख सकते हैं, आपका बैक पार्ट देख सकते हैं, आपका साइड देख सकते हैं। देखिए जैसे ये स्कल्पचर है ना, इसे हम जैसे आगे से देख रहे हैं सेम इसे हम पीछे से भी देख सकते हैं। तो ऐसी जो मूर्तियाँ होती हैं इन्हें चारों ओर से
अवलोकन किया जाता है, यानी कि चारों तरफ से कार्व किया जाता है, इसे हम लोग 3D भी बोलते हैं। पेंटिंग जो है हमेशा 2D में होता है, याद रखिएगा, और स्कल्पचर जो है हमेशा 3D के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात हम देख लेंगे, ये था उत्कीर्ण कला अथवा भास्करी कला। इसका मतलब क्या है, देखिए, जिसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा कास्ट के फलक पर उकेड़ कर रूपांकन किया जाता है, समझ रहे हैं ना। पत्थर, चट्टान, धातु अथवा कास्ट, जैसे कि लकड़ी पे भी देखते हैं उत्कीर्णन किया जाता है, चट्टान को काट के हम एग्जांपल दिखा देते हैं, देखिए जैसे ये चट्टान है, ये सबको भी काट के उत्कीर्णन किया गया है। तो ऐसे जो चीज़ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूपांकन किया जाता है। किसी भवन या मंदिर की दीवार, स्तंभ अथवा भीतरी छत पर उत्कीर्ण मूर्तियों का केवल अग्रभाग ही दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि आगे का भाग ही दिखाई देगा, ठीक है। इसे गहराई से उकेड़ कर जीवंत प्रदान किया जाता है। जो इमेजेस आपने पहले देखे होंगे, आपने देख ही लिया होगा किस तरह से उसे उत्कीर्ण किया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ सारे ही, जब मैं कला की वीडियो ख़त्म हो जाएगी, मतलब कला पहला ये चैप्टर था, एक पार्ट है, इससे रिलेटेड और भी आगे मैं कुछ बातें करूँगी, जब ये सारे ख़त्म हो जाएंगे तब हम आप लोग को इसकी PDF लास्ट सेशन में प्रोवाइड करवा देंगे। अब देखिए, हम लोग समझेंगे, हम पहले मेंशन किए थे ना कि मूर्ति कला भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, देखिए, बास रिलीफ को अर्धचित्र भी कहते हैं। अब अर्धचित्र दो शैलियों में निर्मित होते हैं, कौन कौन से, हाई रिलीफ एंड लो रिलीफ। हाई रिलीफ गहराई से तराशा जाता है ताकि आकृतियों में अधिक उभार आए। हाई रिलीफ किसे कहते हैं, जो स्कल्पचर है उसे हम हाई रिलीफ कहते हैं। और उसी स्कल्पचर को अगर मान लीजिए कि हम वॉल में पेस्ट कर दें, चिपका दें, समझ रहे हैं ना, तो वो आपका लो रिलीफ के अंतर्गत आता है। यानी कि लो रिलीफ हल्का तराशा जाता है, इसकी आकृतियों में चपटापन सा रहता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो इसके नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें। कल हम बात करेंगे आप लोग को कला की अवधारणाएं के बारे में। पहले हमने कला क्या है उसके बारे में बात की है, कला के क्या प्रकार हैं उसके बारे में बात की है, और कल नेक्स्ट वीडियो में मैं कला की अवधारणाएं के बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स कि प्लेटो ने क्या बोला, अरस्तु ने क्या बोला, हीगेल ने क्या बोला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला के बारे में क्या अपने व्यक्तित्व दिए हैं, श्याम सुंदरदास ने क्या बोला है, इस तरह के कुछ फिलोसोफर्स और आर्टिस्ट को लेके आऊँगी मैं कला की अवधारणाएँ में। और तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो डाली हूँ आर्ट से रिलेटेड, वो लोग देख लें। ये जो वीडियो अभी डाल रही हूँ ये बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस।